हेलो, मैं हूं आपकी डॉक्टर खुशबू। आज हम जानेंगे कि कुपोषण को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं। इसे पहचानने के कुछ बेहद आसान तरीके हैं, जैसे अगर बच्चे का वजन और लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से कम हो, पेट फूला हुआ नजर आए, बाल एकदम पतले हो जाएं और बच्चा बार बार बीमार पड़े तो सावधान हो जाइए। ये सारे लक्षण कुपोषण के हैं। इसके अलावा बच्चों में थकान, चिड़चिड़ापन, उदासी देखने को मिले, वो अक्सर भूख न लगने की शिकायत करे या बच्चे का मानसिक विकास धीमा हो, ये सब कुपोषण की वजह से हो सकता है। इसका इलाज बहुत जरूरी है। सही समय पर इलाज न होने से बच्चे के पूरे शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है, जिसका नतीजा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखें कि बच्चे की लंबाई और वजन की नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर नियमित अंतराल पर जांच करवाते रहें। इससे कुपोषण का पता तुरंत चल जाएगा और सुधार करने में आसानी होगी। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।